अस्सलाम वालेकुम क्लास, आज क्लास फिफ्थ के लिए जूनियर इंग्लिश का काम डेट 22 मई 2020 में हमारा राइटिंग मटेरियल जो शामिल है वो है वर्ड्स मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग दो लेसन्स के हैं आज, रॉयल मिंट, शाही टिकसाल और इनसाइड द वर्ल्ड, तहखाने के अंदर। आइए आज हम इसके देखते हैं कि किस तरह से हैं वर्ड्स मीनिंग। सबसे पहला है हमारा रॉयल मिंट। रॉयल मिंट में हम देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। पहला देखिए वर्ड्स मीनिंग, द रॉयल मिंट, वर्ड्स लिखेंगे एक साइड पे, दूसरी साइड पे मीनिंग रॉयल, रॉयल का मतलब होता है शाही, जो बादशाह के दरबार से ताल्लुक रखता है शाही। सेकंड पे मिंट, टिकसाल, टिकसाल वो होती है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। थर्ड पे करेंसी, पैसा। फोर पे क्रूसीबल्स, भट्टियाँ। फाइव पे मोल्ड, ढालना। सिक्स पे वर्थ, कीमत। सेवन पे स्टैम्प्ड, मोहर लगाई। एट पे इंस्पेक्शन, मायना। नाइन पे ओवरलुकर्स, माहिरीन। टेन पर इस्टेब्लिश्ड, कायम हुई। इसके आखिर में ये एक वर्ब है, इसके आखिर में ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इलेवन पर देखें स्ट्रिप्स, एस लगा हुआ है, इसका मतलब प्लूरल है। पट्टियाँ, ऑन लुकर्स भी इसमें प्लूरल है और स्टैम्प्ड इसमें पास्ट टेंस में जा रहा है। आगे देखिए ट्वेल्व पर एनश्योर, यकीन दिलाना। थर्टीन पर पंच आउट, सुराख करना। 14 पर डिटेक्ट, मालूम करना या तलाश करना। अगला हमारा जो लेसन है वो है इनसाइड द वॉल्ट, लेसन नंबर 8, इनसाइड द वॉल्ट। वर्ड्स मीनिंग इसके देखते हैं हम। सबसे पहले वॉल्ट, वॉल्ट का मतलब होता है तहखाना। पिलर, पिलर कहते हैं स्तून को। सेकंड पे थर्ड पर ड्रेपरी, पर्दे या बलदार कपड़ा। फोर पर एल्म, दियोदार, ये एक दरख्त का नाम है। फाइव पर क्लच्ड, ई डी लगा हुआ है सेकंड फॉर्म में, मजबूती से पकड़ा। सिक्स पर स्टोन स्टेप, स्टोन पत्थर, स्टेप जी उसकी सीढ़ी, पत्थर का जीना। सेवन पर विलो, बैद, ये भी एक दियोदार और बैद इसके दरख्त होते हैं। एट पर देखें पिक, पिक कहते हैं कुदाल को जिससे ज़मीन को खोदते हैं। नाइन पर सोर्सिरर, जादूगर। टेन पर रिलीजियस, मजहबी। इलेवन पर रैकन, अंदाज़ा लगाया। ट्वेल्व पर कोड, रस्सी। थर्टीन पर मैसनरी, पत्थर का काम। फोर्टीन पर डैम्प, जहरीली गैस या नमी। फिफ्टीन पर हैसोक, गद्दीदार चौकी। सिक्सटीन पर एक्सपेक्ट, तवक्को करना। सेवनटीन पर लीन्ड, झुका सेकंड फॉर्म के साथ। 18 पर सोलेट्री, अकेला, तन्हा। 19 पर एपियोथेरेकी, एपियोथेरेकरी, दवासाज, दवा फरोश, दवाइयाँ बनाने वाला। 20 पर जैग्ड, ना हमवार, नोकीले किनारों वाला। अब हम इसका देखते हैं कि अगला मटेरियल क्या है। जी, क्लास फिफ्थ के लिए हमारा जूनियर इंग्लिश में डेट 22 मई 2020 में राइटिंग मटेरियल में जो बुक से शामिल है, जूनियर की बुक से, जूनियर की बुक इंग्लिश की बुक से, हमारा पेज नंबर 40, इसका हमारा एक्टिविटी बी इसमें हमारे शामिल किया है आज हमने। ये देखें इसका है हेडिंग, देंगे हम सबसे पहले यहाँ से अपनी बुक से देखें। अपोजिट्स, मुतजाद अल्फाज यूजिंग अ प्रीफिक्स, साबके का इस्तेमाल। प्रीफिक्स यूजिंग ए प्रीफिक्स, साबके का इस्तेमाल। साबका कहते हैं कोई वर्ड के आगे कोई वर्ड हम लगा देते हैं, जिस तरह से ये लिखे भी हुए हैं आपके इसमें टेबल बना हुआ है। अन के साथ जो उनसे वर्ड्स हैं वो यहाँ पर साबके के साथ इस्तेमाल होते हैं, जिससे इसके मीनिंग टोटली अपोजिट में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह फिर डिस, उसके बाद इन, इर, इल, इम। अब यहाँ से हम ये पूरा एक पर दिया हुआ है एक्टिविटी में कि किस तरह से कौन से वर्ड हम पुट करेंगे। आज हमारी बी एक्टिविटी इस लेसन में शामिल है, आइए हम देखते हैं इसमें क्या है। जी, ओपोजिट्स, मुतजाद यूजिंग प्रीफिक्स, साबके का इस्तेमाल। पेज नंबर 40 एक्टिविटी बी में, पहले देखिए हम बी वाला अपनी बुक में से यहाँ से हम देखेंगे। अब बी एक्टिविटी में देखें, सेलेक्ट अ वर्ड, एक वर्ड को सेलेक्ट कर कीजिए, चुनिए। फ्रॉम द लिस्ट, इस फहरिस्त से, टू कम्प्लीट ईच सेंटेंस, ताकि आप अगले को उसको मुकम्मल करें। सबसे पहले देखें वन में, देखें एन इम्प्रोबेबल इवेंट, एक इम्प्रोबेबल जो कि गालिबन, प्रोबेबल कहते हैं गालिबन को, शायद को, और इम्प्रोबेबल जो शायद ना हो। इवेंट,
वाक्या इज़ वन वो होता है विच विल प्रोबेबली नेवर हैपन, जो शायद कभी भी वकूपज़ीर ना हो। सेकंड पर देखें, एन ऑब्जेक्ट एक अशिया विच कैन नॉट बी मूव्ड, जो कि हरकत नहीं करती, इज़ इमूवेबल, वो साकिन होती है, या इमूवेबल जो हरकत ना कर सके वो होती है। अब मूवेबल का हमने जो बनाया है इसके आगे सिर्फ इम को हमने किया और इस एड और इसके इम्प्रोबेबल के आगे भी इम को हमने सिर्फ प्रोबेबल के आगे जो वहाँ पे दिया हुआ वर्ड हमने इम दोनों जगह पे ऐड किया है और इससे इसका मीनिंग टोटली ओपोजिट हो गया है, ओपोजिट में आ गए हैं। थर्ड पर देखें अब हम, एन अनग्रेटफुल पर्सन गिव्स नो थैंक्स, एक जो नाशुक्र गुजार एहसान फरामोश शख्स होता है, गिव्स नो थैंक्स, वो शुक्रिया अदा नहीं करता, फॉर काइंडनेस मेहरबानी का, रिसीव्ड जो कि वो किसी से वसूल करता है, अनग्रेटफुल जो हक शनास ना हो, किसी का हक ना पहचानता हो, ना शुक्र गुजार को कहते हैं अनग्रेटफुल। अगला देखें फोर पर, अनदर वर्ड फॉर डैश इज़ अनलाफुल, अनलाफुल जो कानून का पाबंद ना हो, दूसरा वर्ड उसके लिए है इलीगल, इलीगल। ये देखिए इल लगाने के बाद, आई एल लगाने के बाद ये वर्ड हमने इसके ऑपोजिट में लिया है फोर पे। अब फाइव पर देखें, एन डैश पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, एन इररिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल का अब हमने इसके आगे आई डबल आर का इजाफा किया है, आई आर का इजाफा किया है रिस्पॉन्सिबल में और इसका उल्ट मुतजाद बना लिया, इररिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार शख्स जो होता है जो अपने किसी भी काम का जिम्मेदार नहीं बनता। अब सिक्स पर देखें, एन अननेसेसरी आर्टिकल इज़ वन यू कैन डू विदाउट, अननेसेसरी गैर ज़रूरी अशिया वो होती हैं जिनके बगैर आप कोई काम कर सक, अननेसेसरी, नेसेसरी के आगे भी हमने अन यू एन लगा के अननेसेसरी के आगे इसका हमने ये परफेक्ट सेंस में इसका हमने अपोजिट बना लिया है। अब सेवन में देखें, द वर्ड डैश मीन्स अनलकी, अनलकी मीन नाखुशकिस्मत या बदनसीब, अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट बदकिस्मत। एट पर देखें, अ डैश पर्सन इज़ रूड एंड इल मैनर्ड, एक डिसकर्टियस एक बदतमीज शख्स जो कि गुस्ताख होता है और बुरे बदतमीज होता है उसको कहते हैं डिसकर्टियस का वर्ड इसमें। अब हम देखते हैं फिर इस टेबल को, पहले वर्ड में हमने इम लगाया है प्रोबेबल के आगे, दूसरे में भी इम लगाया है मूवेबल के आगे, थर्ड में हमने यू एन अन लगाया है, अनग्रेटफुल बनाया इसको, उसमें फोर में इलीगल ऑपोजिट बनाने के लिए हमने आई एल का इस्तेमाल किया है, फाइव में हमने आई आर का इस्तेमाल किया है, सिक्स में हमने यू और एन का अन का इस्तेमाल किया है और सेवन में भी हमने यू और एन लगा के अन का इस्तेमाल किया है इसको ऑपोजिट बनाने में, एट में जबकि हमने डी आई एस डिस का इस्तेमाल किया, डिसकर्टियस गैर महजिब या बदतमीज शख्स।